हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। अलजेब्रा का हम कर रहे थे चैप्टर मैट्रिसेस, 1.1 हमने कवर कर लिए ऑल थ्योरम्स। लेक्चर 4 में अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स ऑन एक्सरसाइज जो आपके पास है 1.2 की। देन फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं उसके बाद थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपके पास A इज इक्वल टू ए आई जी कोई मैट्रिक्स गिवन है एन क्रॉस एन, ठीक है, A इज इक्वल टू ए आई जी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, n रो है, n ही कॉलम है, ठीक है। देन A आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी? A इज सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू A कंजुगेट, सॉरी ट्रांसपोज। अगर A इक्वल टू आ जाता है A ट्रांसपोज के तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में देखें तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है? इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, आई जो है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और जे होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कॉलम जब आपके पास रो कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो में चेंज हो जाए ये तो ट्रांसपोज होता है। तो अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज के आ जाता है देन हम कहते हैं कि A हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपके पास A मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज बट यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है तो यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाता है। इस फॉर्म में अगर हम देखें तो इस फॉर्म में क्या बनेगी? अगर A का ट्रांसपोज A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज की इक्वल आ जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, दोनों फॉर्म में आप सेम है ये, ठीक है। तो A इक्वल टू अगर A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस हम अप्लाई करें तो A इक्वल टू आना चाहिए माइनस A ट्रांसपोज के, देन हम कहते हैं कि A हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। नेक्स्ट है हार्मिशियन मैट्रिक क्या होती है? आपके पास जो आपने लिया था ए थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है थीटा? ए कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। ए थीटा इक्वल होता है ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स कब बनेगी? इफ ए इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस ए थीटा के आ जाए। अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स ए थीटा के इक्वल आ जाती है तो वो हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्यू हार्मिशियन की बात करें तो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स तो इसमें क्या बनेगा? If A इज इक्वल टू माइनस ए थीटा के इक्वल आ जाता है देन वी कॉल A इज अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले लेते हैं A B C F G H ठीक है। आपको बताना है क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और वो A के इक्वल आ जाएगा तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसका A का ट्रांसपोज। जो आपके पास रो गिवन है वो हमारा कॉलम बन जाएगा A F G देन सेकंड F B H
एच और थर्ड जी एच सी, जी एच सी। देखिए क्या दोनों मैट्रिक्स फिर से इक्वल आ गई, इक्वल है तो आपके पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स जो कैसी बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अगर हम स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल देखें, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको देखने के लिए आपके पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, ये प्लेस कौन सा आपके पास, जैसे ये प्लेस हमारा ए वन वन होता है, अगर हम बात करें 3x3 की, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अगर हमें डायरेक्ट देखना है कि ये हमारी मैट्रिक्स बिना ट्रांसपोज निकाले, अगर हम चेक करेंगे कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, ये प्लेस इसके इक्वल होना चाहिए। अभी हमने बोला इसके अंदर डेफिनेशन में ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई, अगर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1, जे 2, देन किसके इक्वल आएगा, ए टू वन के, यानी कि ये प्लेस आपके पास इक्वल हो जाएगा। सेम टू सेम ए वन थ्री इक्वल मिलेगा आपको ए थ्री वन के, यानी ये और ये आपके पास इक्वल मिलेंगे। नेक्स्ट इज ए टू थ्री इक्वल मिलेगा ए थ्री टू के। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैट्रिक्स हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने का मेथड होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या होता है, डेफिनेशन रफ कर देते हैं इसको। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने कहा कि ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस ए जे आई के, ठीक है। अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री बनते हैं, ठीक है। तो ए वन वन जो एलिमेंट आपके पास आई रिप्रेजेंट करता है रो को एंड जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो जो डायगोनल नंबर्स आपके पास मैट्रिक्स के हैं उसके अंदर आई और जे दोनों इक्वल हो जाते हैं, टू टू थ्री थ्री। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे हो जाता है। अगर हम डायगोनल एलिमेंट की, ओनली डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो आई इक्वल टू जे हो जाता है। जैसे कि ए वन वन, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, ए टू टू, आई इज 2 एंड जे इज ऑल्सो 2। तो इस तरह से अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए आई आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू, या तो जे की वैल्यू आई पुट कर लीजिए या आई की वैल्यू जो भी आपके करना चाहो, ए आई आई की इक्वल, ठीक है। इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, ए आई आई प्लस, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, हर एक आई के लिए, यानी कि ये जितने भी ऑर्डर की होगी आई की वैल्यू, यहाँ पे जैसे 3x3 की है तो 1 2 3, आई की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगा अगर आप एन ऑर्डर की ले रहे हो, ए मैट्रिक्स हमने लिया है एन ऑर्डर की, एन क्रॉस एन, तो ये आ जाएगा फॉर ऑल एन, ठीक है। यानी एन की यहाँ पे आप कोई भी 1 1 2 2 3 3 जो भी रखेंगे एन एन तक सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। ऐड कर देंगे दोनों को, ए आई आई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, आई की वैल्यू आप कुछ भी रखिए एन ऑर्डर तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज, आई की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो ए 1 1 इक्वल टू 0, अगर मैं आई की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो ए 2 2 इक्वल टू 0, नेक्स्ट इज ए 3 3 इक्वल टू 0, अप टू सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में हम रखेंगे एन एन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। जो भी डायगोनल का एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल का, वो आपके पास 0 हो जाएंगे, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और वो इस तरह से 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट निकालते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी सिमेट्रिक आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप फॉर्म करते हो तो उसमें आप देख रहे हैं कि सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी सी, देन दिस इज माइनस ए, माइनस बी,
माइनस सी, ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। दैट मीन्स आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ, जे की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए जे हमारा 2 है, आई 1 है, तो ए 1 2 इक्वल टू आना चाहिए माइनस ए 2 1 के। अब ए 1 2 प्लेस देखिए ए है, और ए 2 1 प्लेस देखेंगे तो माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। और अगर आपको शो करनी पड़े तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जैसे आप ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हो क्या आएगा, यहाँ से ये आपके पास रो कॉलम बन जाएगा, 0 a b, ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 c, और थर्ड रो इस थर्ड कॉलम। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट का माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ईच एलिमेंट जो आपके पास है उसका साइन चेंज होगा, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ए नेगेटिव हो जाएगा 0 एंड सी पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज माइनस बी माइनस सी 0, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, वापस हमारी ए मैट्रिक्स आ जाती है। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ए का ट्रांसपोज किया माइनस ए के इक्वल आ गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, दिस देन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, दिस बी इज ऑल्सो दिस, तो हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि ए थीटा इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले तो आप इसका ए थीटा निकालिए, ए थीटा किसके इक्वल होता है, कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 ट्रांसपोज करोगे, सॉरी कंजुगेट, अगर आप कंजुगेट करते हो तो इसका कंजुगेट लेके चलोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, सेम टू सेम 3 - 2 आइटा एंड 5, ये हो गया कंजुगेट। अब हम इसका करते हैं ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास 2 3 + 2 आइटा, सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम दिस, ठीक है। अभी देखिए क्या ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, तो ये इज इक्वल टू आ गया ए के, और ये इक्वल टू किसके हैं, ए थीटा के, तो ए थीटा इज इक्वल टू अगर ए आ जाता है तो हमारी मैट्रिक्स होती है हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स की अगर डायरेक्ट पहचान देखें तो हमारे पास क्या होती है, जो डायगनल एंट्रीज होती हैं, डायगनल एलिमेंट होते हैं, चाहे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 × 2 मैट्रिक्स ली है, तो इसके डायगनल एलिमेंट आपके पास रियल मिलेंगे, ठीक है। ऑल डायगनल एलिमेंट ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, इसके जो डायगनल एलिमेंट होते हैं वो रियल होते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके पास साइन मिले, ये जो मिलेंगे एलिमेंट नॉन डायगनल एलिमेंट, इनका साइन ऑपोजिट मिलेगा। अगर ये 3 - वैसे तो सेम मिलेंगे आपको, सिर्फ साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का सेम मिलेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंजुगेट करते हैं यहाँ पे तो कंजुगेट साइन चेंज कर देता है और ट्रांसपोज उसको वापस से मैट्रिक्स में चेंज कर देता है। स्क्यू हार्मिशन देखिए, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर बी मैट्रिक्स दे रखी है तो बी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी आना चाहिए, ओके। तो पहले तो बी थीटा निकालिए, बी थीटा मीन्स बी कंजुगेट का ट्रांसपोज, बी कंजुगेट निकालेंगे यहाँ से, देन -3 i - 3 i + 5 एंड यहाँ से -3 i - 5 और 0, ठीक है, इसका कंजुगेट, कंजुगेट करेंगे तो -3 i, ये हमारे पास जो रो है वो कॉलम चेंज हो जाएगा, -3 i + 5, दिस इज इक्वल टू -3 i - 5 0, ओके। तो इसको आप क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन निकालेंगे हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव 3 i, यहाँ से 3 i + 5 माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो 3 i तो पॉजिटिव हो जाएगा और 5 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 0। अब देखिए क्या वापस से बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस बी के इक्वल, तो हमने निकाला यहाँ से बी थीटा इक्वल आ गई आपके पास माइनस बी, दैट मीन्स हार्मिशियन मैट्रिक्स बी जो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है,
पहचान कैसे करोगे कि जो डायगनल एलिमेंट होते हैं ये जो आपके पास या तो मिलेंगे इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी मिलेंगे या फिर ज़ीरो, या तो डायगनल एलिमेंट प्योर इमेजिनरी रियल पार्ट नहीं आएगा इमेजिनरी के साथ, या फिर वो एलिमेंट ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। और ये आपके पास भाई एलिमेंट नॉन डायगनल एलिमेंट इससे अपोजिट हो जाएगा जो आपके पास डायगनल वाला था। अब यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम होता है और रियल पार्ट का चेंज होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था नंबर्स तो वही रहेंगे बट रियल का साइन सेम होता है और इमेजिनरी का अपोजिट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है। तो हमारे पास क्या गिवन है सबसे पहले तो कि ए बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाइए, ए इक्वल टू होगा ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन होल्ड करेगा। प्रूव करना है आपको ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन प्रूव करो, और ये कंडीशन गिवन है तो ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करो, ठीक है। फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट मीन्स ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, इटसेल्फ। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, ओके। ट्रांसपोज ओपन कर दीजिए, ट्रांसपोज को जब भी ओपन करते हैं प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, बी डैश ए डैश उल्टा ओपन करते हैं इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास ये गिवन था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट ए डैश की वैल्यू रख दें, बी डैश की वैल्यू रखेंगे हम बी, और ए की वैल्यू रखें ए डैश की वैल्यू रख देंगे ए, दिस इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए बी, वैसे तो जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन प्रूव होगी, ओके। अब हम रिवर्स कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। अब हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे कि हम ये कंडीशन हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपके पास गिवन होगा और आपको प्रूव करना है कि ए बी की जो प्रोडक्ट यानी कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ही आना चाहिए, इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ओपन कर दीजिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख देंगे तो इक्वल टू आ गया बी ए के फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये कंडीशन आपके पास गिवन ही है कि बी ए किसके इक्वल है ए बी के इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम ए बी। तो हमारे पास क्या आ गया ए बी ट्रांसपोज हम लेके चले थे इक्वल टू शो कर दिया ए बी के, दैट मीन्स ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस फर्स्ट पार्ट गिवन है ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देखिए फर्स्ट इज हमें प्रूव करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा ए प्लस ए डैश इक्वल टू इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, समझ गए, यानी इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके ही इक्वल आ जाएगा तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं, क्या आपके पास ए प्लस ए डैश
दिस इज इक्वल टू, ये हम ये साइड उठा लिए लेफ्ट हैंड साइड. अब इसको ओपन कीजिए, अगर दो मैट्रिक्स का सम है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो वो वापस ए मैट्रिक्स आ जाती है, ओके. और इसको हम एडिशन में कम्यूट करता ही है मैट्रिक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ए डैश. अब देखो ए प्लस ए डैश का हमने ट्रांसपोज लिया और इसी मैट्रिक्स के इक्वल निकाल दिया ए प्लस ए डैश के, इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. सेम टू सेम आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ओपन करेंगे ए डैश माइनस ए डैश डैश, ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या होता है, वापस ए मैट्रिक्स आ जाती है, ओके. माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके. अब देखो ए माइनस ए डैश का हमने ट्रांसपोज लिया, देन आ गया माइनस ए माइनस ए डैश, इसी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, कब, जब माइनस कॉमन लिया. और ये डेफिनेशन किसकी होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है देन ए मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है. सेम टू सेम रिजल्ट हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके. थर्ड पार्ट देखिए, ए प्लस ए थीटा इज हार्मिशियन. थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए प्लस ए थीटा आपके पास हार्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी. तो हार्मिशियन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए थीटा, ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, हार्मिशियन प्रूव करना है, तो इसका थीटा इक्वल आना चाहिए इटसेल्फ मैट्रिक्स के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. कि a प्लस ए थीटा का अगर हम थीटा लेते हैं तो वापस इसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी. सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, a प्लस ए थीटा पावर थीटा, दिस इज इक्वल टू, ओपन करेंगे इसको, थीटा की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, थीटा डबल, देन ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा क्या होता है, वापस ए मैट्रिक्स आ जाती है. इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए थीटा, ठीक है. तो इसका आपने थीटा लिया, यही आ गया वापस, देन हमारे पास हार्मिशियन जो डेफिनेशन थी हार्मिशियन की, ए थीटा इक्वल टू अगर ए के इक्वल आ जाता है तो ए मैट्रिक्स हमारी हार्मिशियन बन जाती है. देन फोर्थ देखिए, ए माइनस ए थीटा इज टू हार्मिशियन, यानी कि आपको प्रूव करना है ए माइनस ए थीटा का थीटा अगर हम लेके चलते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो ए की पावर थीटा माइनस थीटा टू थीटा, ए थीटा माइनस वापस ए बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए थीटा, ठीक है. तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास, अगर ए माइनस ए थीटा का थीटा लेते हैं तो माइनस ए माइनस ए थीटा बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन. इवन शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो. अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, और कैसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 3x3, ये जो ऑर्डर है ये ऑड होना चाहिए, ओके. चाहे वो 1x1 की हो, चाहे 3x3 या फिर 5x5, तो ये ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ओके. तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है. चलिए देखिए, ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, बोथ साइड्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है. हम ये लेट करके चले हैं कि ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस एन की है, एन क्रॉस एन की, ठीक है. ये तो समझाने के लिए बताया था, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली है हमने, और जो एन है वो हमारा ओड नंबर है, क्योंकि हमें इसका जो ऑर्डर है वो ओड ऑर्डर लेना है,
ठीक है। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक हम लेके चले हैं एन क्रॉस एन ऑर्डर की, और एन कैसा है ऑड नंबर, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है आपके पास, ए मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है ए मैट्रिक्स के इक्वल, ये आप करके फॉर एग्जांपल आप चल के लेके देख सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लेके चलोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। सिर्फ ये इंटरचेंज हुए, अगर डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है मैट्रिक्स ए के इक्वल, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो ए हमारे पास कितने ऑर्डर की है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और माइनस अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो माइनस जो आपके पास वो हर एक रो या कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, मान लिया कि ये एन क्रॉस, ये 3x3 की हो कोई मैट्रिक्स, तो इसके अंदर तीन रो बनेंगे तीन कॉलम, तो या तो हम ईच रो में से कॉमन निकालते हैं या हम ईच कॉलम में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम तीन रो हैं हर एक में से माइनस कॉमन निकालोगे, -1 × -1 × -1, तो ये हो जाएगा -1³ × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये एन ऑर्डर की है आपके पास, तो -1 × n × डिटर्मिनेंट ऑफ, कैसा है ऑड नंबर, ऑड नंबर होगा तो -1 अगर आप ऑड करते हो, कोई भी ऑड नंबर लेते हो तो क्या आएगा -1 लेके चलेंगे, कुछ भी ले लो तो -1 ही आ गया क्योंकि n आपके पास ऑड है, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। हमने लिया था ए हमारी n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n आपके पास ऑड नंबर गिवन था, तो हमें प्रूव करना था कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का जीरो होता है। देखिए फोर्थ एग्जांपल क्या गिवन आपके पास, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम, एन क्रॉस एन ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रखा है, ठीक है। और क्या कह रखा है कि ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसने बोला है कि ए को आप लिख सकते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, यानी अगर फॉर एग्जांपल बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए को आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख दिया। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ वन वे होना चाहिए, कि एक ही तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने डी और एक डी ले ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सी ले ली सॉरी ई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, तो यहाँ पे हमने ए को पहले तो लिख दिया बी प्लस सी की फॉर्म में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर दोबारा से लिख दिया डी प्लस ई की फॉर्म में, ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो दो फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ये यूनिक आपको प्रूव करना है कि ए को आप सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। चलिए देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन, हम ए मैट्रिक्स लेके चलिए, अभी हमने प्रूव किया था कि ए प्लस ए डैश यानी कि ट्रांसपोज क्या होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में प्रूव किया था, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में प्रूव किया था ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड हमने प्रूव किया था कि ए माइनस ए डैश ये क्या आया था आपके पास, ये आई थी स्क्यू सिमेट्रिक, सेकेंड एग्जाम्पल में ही आपके पास गिवन है। अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे ए माइनस ए डैश
दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें ए को लिखना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ए मैट्रिक्स लिया हमने, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर वापस से आ जाएगा 1/2। इस 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, ऐड करेंगे तो वापस 2a। ठीक है, 1/2 a प्लस ए में मैंने a डैश ऐड कर दिया और a डैश ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम क्वांटिटी ऐड और माइनस। ठीक है, नो चेंज। देन a प्लस a डैश को इकट्ठा ले लेंगे, a प्लस a डैश, a माइनस a डैश को इकट्ठा ले लेते हैं। अब 2 से डिवाइड कर देंगे दिस एंड दिस, a प्लस a डैश, 2 से मैंने 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया प्लस 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बताया कि 1/2 a प्लस a डैश कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 1/2 a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या लेके चले इधर से, a मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया इन दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, जो कि ये आपके पास कैसी गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे, और ये आपके पास निकल के आई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो a को हमने कैसे लिख दिया, इसको हम p मान लेते हैं, p प्लस क्यू, p आपके पास p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश एंड q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। दिस इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि ए को हम लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, जो एक होगी सिमेट्रिक एक होगी स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको ये बताना है कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये जो आपने एक्सप्रेशन ली है ये यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए, यानी ऐसे आप दो और मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो आप ए को इस फॉर्म में लिख सकते हो। चलिए देखिए कैसे करना है, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको हम, कंट्राडिक्शन भी नहीं, हम लेट करके चलते हैं। ए को हम लिख सकते हैं आर प्लस एस की फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे शो किया ए को हमने पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर आर इज आर जो आपके पास वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हमें क्या करना है, ए को लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने दूसरी एक्सप्रेशन ले ली कि ए को हम सेकंड तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आर का ट्रांसपोज आर के इक्वल हो जाएगा, एंड अगर एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस का ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इस जो सेकेंड एक्सप्रेशन आपने ली इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है इसका कर लेते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस ट्रांसपोज, ए डैश इज इक्वल टू ओपन कर सकते हैं एस डैश, देन आर डैश की वैल्यू आर गिवन है, ठीक है, और एस डैश की वैल्यू माइनस एस गिवन है, ये हमने पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए डैश इज इक्वल टू आर माइनस एस, और एक इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड, इसको हम थर्ड ले लेते हैं। ओके, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड से तो आ जाएगा a प्लस a डैश दिस इज इक्वल टू r प्लस s, और इधर से ऐड करेंगे r माइनस s, s से s कैंसिल दिस इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ से देखेंगे a प्लस a डैश इज इक्वल टू आ गया 2r, r इज इक्वल टू 1/2, 2 को इधर ले जाते हैं a प्लस a डैश। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी, 1/2 a प्लस a डैश p की वैल्यू थी, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू p रख देंगे, इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू p आ जाएगा। सेम टू सेम तरीके से आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, दोबारा से हम सेकेंड और थर्ड को माइनस कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड, तो a माइनस ए डैश इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करेंगे तो आर से आर कैंसिल दिस इज 2s, यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 a माइनस ए डैश, और ये वैल्यू किसकी थी, q की वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है,
ये क्यू की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे क्यू, इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू आ गया क्यू। अब देखिए हमने एक एक्सप्रेशन तो यहाँ पे शो करी थी कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया था, दूसरे हम लेके चले थे कि ए इक्वल टू आर प्लस एस भी हम कर सकते हैं, बट लास्ट में आया क्या, आर हमारा बी के ही इक्वल आ गया और एस क्यू के इक्वल आ गया, यानी कि अगर हम अलग से लेके भी चलते हैं तो वापस वही वैल्यू दे देता है ये। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारी यूनिक होगी, जो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी कि ए इज इक्वल टू वन बाय टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाय टू ए माइनस ए डैश। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास यूनिक एक्सप्रेशन बनेगी, ए को लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन भी इसी टाइप से करने हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन होगी, कोई भी ए मैट्रिक्स दे दी जाएगी, 1 2 3 4। अब ये कहेगा कि इस मैट्रिक्स को लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश बाय टू सेम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसमें ऐड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, ए माइनस ए डैश बाय टू, और सिर्फ इसको यहाँ पे लिख के छोड़ देना, सॉल्व नहीं करना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो अभी हमने थ्योरम की है उसी को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, अभी हमने बताया कि ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश एंड प्लस वन बाय टू ए माइनस ए डैश। इस फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी आपको बस यही सॉल्व करना है, ए प्लस ए डैश करना है, तो ए डैश निकाल लीजिए, माइनस वन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो फाइव। ठीक है, आपको चाहिए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश करेंगे तो फर्स्ट नंबर इसमें ऐड करोगे, माइनस टू सेवन टू नाइन, माइनस वन और फाइव सिक्स, सेवन प्लस टू नाइन, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ज़ीरो प्लस फोर इज़ अ फोर, फाइव वन सिक्स, ज़ीरो प्लस फोर इज़ फोर एंड फाइव प्लस फाइव इज़ 10। ये आ गया आपके पास ए प्लस ए डैश, वन बाय टू से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको चाहिए वन बाय टू ए प्लस ए डैश, तो इसको दो से डिवाइड कर दीजिए, माइनस वन, टू से डिवाइड करेंगे तो दिस इज नाइन बाय टू, थ्री यहाँ पे आपके पास था नाइन, नाइन बाय टू सिक्स एंड टू थ्री टू फाइव, ये आ जाएगी आपके पास वन बाय टू ए प्लस ए डैश। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चलता है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो ए, ये प्लेस आपके पास ए वन टू, ए टू वन के इक्वल मिलेगा, ए वन थ्री ए थ्री वन के इक्वल और ए टू थ्री इज ए थ्री टू के इक्वल, ये आपके पास इक्वल एलिमेंट मिलेंगे, डायगोनल एलिमेंट इसमें नहीं देखते हम। सेकेंड आप फाइंड आउट कीजिए वन ए माइनस ए डैश, ए आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए डैश ए मैट्रिक्स, दोनों को आपको माइनस करना है, माइनस वन में से माइनस वन अगर आप घटाते हो माइनस करते हो तो आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है, सेवन में से टू माइनस दिस इज़ फाइव, वन माइनस फाइव इज अ माइनस फोर, टू माइनस सेवन माइनस फाइव, थ्री माइनस थ्री इज़ अ ज़ीरो, फोर माइनस ज़ीरो इज़ अ फोर, दिस इज़ फाइव माइनस वन फोर, ज़ीरो माइनस फोर इज़ अ माइनस फोर एंड फाइव में से फाइव माइनस करोगे ज़ीरो। ए माइनस ए डैश ये हम पीछे कर चुके हैं कि ए माइनस ए डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं, और इनके जो साइन होते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट साइन आपके पास अपोजिट मिलेंगे। ये साइन कैसे सेम आ रहा है, ज़ीरो माइनस फोर इज़ अच्छा ठीक है, ये इसके इसका देखना पड़ेगा, ए टू वन इज ए वन, ए वन टू ए टू वन, ए वन थ्री ए थ्री वन एंड ए टू थ्री ए थ्री टू, तो इनके साइन अपोजिट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। फिर हमें करना है इसको टू से डिवाइड, यहाँ से हम टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो फाइव बाय टू माइनस टू माइनस फाइव बाय टू ज़ीरो टू एंड टू माइनस टू एंड ज़ीरो, ये मैट्रिक्स आ गई ए वन बाय टू ए माइनस ए डैश। अभी हमने क्या कहा है कि ए को हम लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के सम में, तो इसका आंसर जो है आप उठा के यहाँ लिख दीजिए, माइनस वन नाइन बाय टू एंड थ्री, नाइन बाय टू थ्री, नाइन बाय टू सिक्स टू, सिक्स टू और ये क्या बनेगा यहाँ से थ्री, और ये क्या बनेगा यहाँ पे टू, ये सेम आएंगे तो थ्री टू और लास्ट वाला है फाइव, प्लस इस मैट्रिक्स की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के रखो, ज़ीरो
5 by 2 minus 2, minus 5 by 2, 0, 2 and 2 minus 2 and 0. यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख के छोड़ देना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें ए को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, इसलिए इन मैट्रिक्स को ऐड नहीं करना. दिस इज़ योर आंसर. तो इसके हाफ शायद एग्जांपल फिफ्थ है, ये पांच एग्जांपल हमने कवर कर लिए, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.